हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्लेन वाला पार्ट। ठीक है, तो लाइन वाला पार्ट जो था, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल के इक्वेशन, व्हेन पासेस थ्रू द वन पॉइंट, व्हेन पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स, ये सब चीजें हमने वहां पर जो है देख ली थी। अब हम लोग उसी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे किसके बारे में, प्लेन के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, तो प्लेन क्या है? देखो, प्लेन मतलब एक ऐसा डायग्राम जो कि तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, रिलेशन रख रहा होगा। सिंपल सा चीज, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन जो है बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो प्लेन है उस प्लेन के जो है इसमें भी हमको इक्वेशन क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। जैसे प्लेन में सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो है द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट इज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मतलब इस सिचुएशन में आपको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा जिस प्लेन पर एक वेक्टर होगा और वो जो वेक्टर है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, और उस जो वेक्टर जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है ना, उसका ओरिजिन से आपको डिस्टेंस दिया रहेगा। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पहला सिचुएशन है, ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा और इस वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है ये आपको गिवन रहेगा। ये है आपका पहला सिचुएशन जहां पर आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करना है। सेकेंड है, प्लेन का इक्वेशन हमको निकालनी है जब हमको प्लेन में एक पॉइंट पता हो और उसी प्लेन में जो है एक परपेंडिकुलर जो है हमको वेक्टर पता हो। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा सिचुएशन हमको मिलेगा जहां पर हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा और वो प्लेन का इक्वेशन ऐसा होगा जो कि तीन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा होगा। तब के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन जो है फाइंड करेंगे। तो क्या क्या सिचुएशन हमको पढ़नी है अभी प्लेन में? तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि एक प्लेन रहेगा, उस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा और उस परपेंडिकुलर वेक्टर का डिस्टेंस ओरिजिन से हमको दिया रहेगा। सेकेंड सिचुएशन होता है जहां पर एक प्लेन में एक पॉइंट होगा और एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तीसरा, जब कोई एक प्लेन तीन या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा होगा उस केस में उसका इक्वेशन जो है क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। और इस तीनों ही सिचुएशन में हमको वेक्टर फॉर्म निकालनी है और हमको कार्टेशियन फॉर्म भी जो है हमको निकालना है। तो थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से कि ये जो वेक्टर है ना, ये मतलब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल फॉर्म क्या है, इस चीज को हम लोग अभी ध्यान से समझते हैं। तो लेट से हमारे पास एक प्लेन है, पहले तो ड्रॉ करते देखो। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ना, अगर आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग है ना, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे या एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन दे, आप उसको बड़े आराम से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो लेट से ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और इसमें एक प्लेन है। ये मान लेते हैं कि एक प्लेन है ये। ठीक है, प्लेन का शेप आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरीके का फॉलो किया हुआ है। इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये मान लो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर, ये ओरिजिन है, ये एन नाम दिया है एनसीईआरटी ने, तो हम भी इसका एन नाम देते हैं। तो ओ एन क्या है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर तो आपको बिल्डअप करना ही पड़ेगा क्योंकि थ्री डायमेंशनल है और मैं जो लिख रहा हूँ वो एक 2D है, तो 2D में 3D को रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप अज्यूम करो कि आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन में एक परपेंडिकुलर वेक्टर ON है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपको दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ON वेक्टर जो है वो क्या है, ON इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन प्लेन, इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन द प्लेन। वो प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और वो जो वेक्टर है ना उस वेक्टर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल डी है। तो लेट से इसको एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाँ ग्रीन कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो हमको नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जो है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि जो है
डायग्राम यहाँ पर अच्छे से जो है क्लियरली समझ में आए। ये ठीक है, तो ये था हमारा एक वेक्टर ओ एन, ये जो इस पर परपेंडिकुलर था ओ एन, और इसका जो डिस्टेंस था वो डी था। अब इस प्लेन में जो है मैं एक कोई जनरल पॉइंट जो है क्या करता हूं, पी कंसिडर करता हूं। पी एक जनरल पॉइंट है होज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई एंड जेड। तो देखो ये जो ओ एन है और ये क्या है, एक पी एक जनरल पॉइंट है, तो मैं इसको यहां से क्या कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं ज्वाइन। और ये जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी वेक्टर का जो पोजिशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर, ये हमारा वेक्टर आर है। ठीक है, ये इस तरीके से ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब पी से जो है एन को भी हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो P से लेके हमने N तक को ज्वाइन कर लिया। अब देखो यहां पर N ट्रायंगल O P N by ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ इसमें लगाएंगे तो जब हम लोग इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, OP वेक्टर प्लस PN वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर, हमको मिलेगा ऑब्वियस सी बात यही मिलेगा। अब ओपी वेक्टर को जो है अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर आर लिख सकता हूं, पीएन वेक्टर तो हमको पता है नहीं, और ओएन, ये देखो ये जो ओएन वेक्टर है इसका डिजाइन चेंज करके इसका नाम हम लोग कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो एक चीज हम लोग अज्यूम करते हैं यहां पर, लेट एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब ये जो ओ एन वेक्टर है ना, ये ओ एन वेक्टर इस तरीके से, इस ओ एन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का नाम है एन कैप, मतलब एक यूनिट का। ठीक है, अब देखो ओ से लेके एन तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड आपको पता है डी है, तो ओ एन वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर कर सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वो क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो वेक्टर आर प्लस पी एन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी इंटू एन हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब अगर मान लो आपको यहां से, अच्छा देखो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा ना कि डिराइव करके बताओ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप कहीं फॉर्मूला भूल गए तो फॉर्मूला अगर भूल गए तो आप तुरंत इसको क्या कर सको, डिराइव कर सको। ठीक है, तो डी एन माइनस ये क्या मिलेगा मेरे को, आर वेक्टर जो है मिलेगा। ठीक है, तो पी एन वेक्टर हमको पता चल गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, आप अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में जो है क्या है, एक वेक्टर है ओ एन जो कि परपेंडिकुलर है, और ये जो पी एन वेक्टर है, ये पी एन वेक्टर कहाँ है, प्लेन में। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि जैसे आप जिस टेबल में बैठे हो या जिस टेबल में आप पढ़ते हो, उस ये मान लो एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल में एक पेन रखा हुआ है जो कि ऐसा परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, और इसी टेबल में कोई एक दूसरा पेन है, ये पेन फर्स्ट है, ये पेन सेकेंड है। तो ये देखो ये दोनों पेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, भले ये दूर दूर है लेकिन जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों पेन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उसी तरीके से ये जो ON है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और ये जो PN है वो प्लेन पर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपको याद होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आंसर उनका डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फिगर ये जो हमारा ON वेक्टर है और ये जो हमारा PN वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। तो ON वेक्टर हमारे पास कितना है, देखो n कैप इनटू d, और PN वेक्टर हमारे पास कितना है, dn कैप माइनस r वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n कैप और n कैप कितने हो जाएंगे, वन। जैसे i और i, i क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो i इनटू i वन हो जाता है, इसलिए n और n कितने हो जाएंगे, वन। और d और d कितना हो जाएगा, d स्क्वायर। फिर यहां पर हमारे पास कितना आएगा, n कैप आएगा, d आएगा, r वेक्टर आएगा इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसमें से डी कॉमन लेकर फिर भेज सकते हो, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन आर वेक्टर इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जीरो जो है हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या इक्वेशन, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर ध्यान दो, आर क्या है, एक पोजिशन वेक्टर है जनरल पॉइंट का, एन क्या है, जो नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है या जो नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर है, और डी जो है क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। आप एनसीईआरटी जब फॉलो करोगे तो इसी में इसी के जैसा एक और फॉर्मूला मिलेगा, जैसे कि वहां रहेगा आर इंटू वैक्टर एन इज इक्वल टू डी, ये भी फॉर्मूला कई बार आ जाता है और ये भी फॉर्मूला कई बार आ जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर आर के साथ जो डॉट वेक्टर है ना वो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा नॉर्मल वेक्टर ही आ गया है, देखो आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर करके। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, अगर आपको ओरिजिन से, अच्छा ये डी क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस केस में, और ये जो डी है ये सिंपल सा डिस्टेंस है। तो अगर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है तो अगर आप नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है तो आप उस नॉर्मल वेक्टर से पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे और यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को यूज नहीं करना है आपको, मोस्ट ऑफ द केस नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द केस आपका यही यूज होगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आया, यहाँ पर पूरा का पूरा नॉर्मल वेक्टर आया है, यहाँ का यहाँ, यहाँ पर जो है नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर आया है, यहाँ पर जो डिस्टेंस डी है वो डिस्टेंस डी क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो डी है वो नॉर्मल डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, अब अगर आपको निकालना है इसी से कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलता है देखो, यहाँ से बड़ा इजी है, कार्टेशियन फॉर्म आप कैसे निकाल सकते हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू हमारे पास डी है। अच्छा, आर वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता थे क्या क्या था, एक्स वाई और जेड था। तो अगर आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है तो उसको वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, आई वाई जेड के और एन, एन क्या है, एन है आपका जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। अब मैंने वेक्टर अलजेब्रा में आपको एक चीज बताया हुआ था, वो अभी भी बताऊंगा मैं, कि अगर कोई एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल का मतलब सिंपल सा जनरल वेक्टर है, तो कोई भी जनरल वेक्टर के आई जे और के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शनल रेशियोज देते हैं, और जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर के आई जे और के जो होते हैं वो डायरेक्शनल कोसाइन को बताते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, तो इस एन कैप यूनिट वेक्टर को मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेते हैं डायरेक्शनल कोसाइन जो है कौन कौन है, एल एम और एन है, तो इस यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप जो है लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहां पर मैं यूनिट वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू डी के फॉर्म में। तो फिर ये कितना हो जाएगा देखो, एक्स एल और ये हो जाएगा वाई एम और ये हो जाएगा जेड एन इज इक्वल टू डी। तो ये आपको क्या मिल गया, कार्टेशियन फॉर्म जो है आपको उसका मिल गया। ठीक है, इसी में जैसे मान लो हमारे पास एक और फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फुल वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, या ये अगर कैपिटल में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये एन है लेकिन ये नॉर्मल वेक्टर है, तो इस केस में क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जो नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर में आई जे और के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शनल रेशियो को बताते हैं। तो ये मान लो हमारे पास R का पोजीशन वेक्टर है और जो n वेक्टर है उसका डायरेक्शनल रेशियो जो है ए बी और सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एक्स ए वाई बी जेड सी इज इक्वल टू डी। तो ये भी एक फॉर्मूला है ना, ये देखो ये डायरेक्शनल कोसाइन के टर्म में है, ये डायरेक्शनल रेशियोज के टर्म्स में है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब हमने जो पढ़ा, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा नॉर्मल फॉर्म, उसी के बेसिस पर जो है एक हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 13। देखो एग्जांपल नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन
इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि दो इक्वेशन होता है, मैंने आपको बताया था। एक होता है वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये वाला कब यूज करना है, जब आपको d की वैल्यू जो गिवन हो वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो तब ये होता है। और अगर आपको नॉर्मल डिस्टेंस दिया हो और नॉर्मल होगा तो वहां पर आपको कौन सा यूज करना है, r डॉट वेक्टर n। इस n से आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको स्मॉल n भी लिख सकते हो, ये यूनिट वेक्टर रहेगा और ये नॉर्मल वेक्टर रहेगा। तो अभी देखो कौन सा d दिया हुआ है, अभी आपको ये वाला d दिया हुआ है, मतलब नीचे वाले का अभी यूज फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो ओरिजिन से दिया हुआ है, ठीक है। बस उसके बाद देखो, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ना ओरिजिन से, वो ये है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर ये यूनिट वेक्टर है क्या? आंसर है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसने बोला कि ये एक नॉर्मल वेक्टर है, जबकि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो आपके पास जो वेक्टर होना चाहिए वो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल वेक्टर का है, यूनिट वेक्टर तो है ही नहीं। तो पहले आप क्या करोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर नहीं देखते तो आप सीधा सीधा क्या रख देते, आर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू 6/√29। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक तो डिस्टेंस को ध्यान से समझना है कि वो डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहा है तब तो डी सही है, और जो वेक्टर दिया है वो वेक्टर सिंपल वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर है, उस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो जैसे इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो ओरिजिन से है, लेकिन जो वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। सो गिवन दैट जो डिस्टेंस है वो है कितना था, 6/√29, 6/√29 यूनिट। एंड जो नॉर्मल वेक्टर है, याद रखना यूनिट वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है, 2i-3j, 2i-3j +4k है। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर है तो आप उससे यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, हमने चैप्टर 10 में पढ़ा तो यही सब चीजें थी, फुल वेक्टर अपॉन में उसका मॉड्यूलस। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 2i-3j +4k, और इसका जब आप मॉड्यूलस निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा आपका देखो 2i-3j +4k, और 16 + 4 हो गया 20, 20 + 9 हो गया √29, तो ये आपको n कैप मिल गया। बस यहां पर आप इक्वेशन निकाल लो, सो इक्वेशन विल बी व्हाट, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो वेक्टर r n कैप हमारे पास कितना आया है, 2i-3j +4k अपॉन में √29 इज इक्वल टू d। d कितना है हमारे पास, 6/√29, दोनों साइड से √29 कैंसिल, सो वेक्टर r 2i-3j +4k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये, ठीक है। कार्टिशियन फॉर्म तो निकालने नहीं बोला है, अच्छा हाँ कार्टिशियन फॉर्म भी आपको निकालने जो है इसका बोला हुआ है, तो अगर आपको इसका कार्टिशियन फॉर्म निकालना है हम लोग कार्टिशियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्टिशियन फॉर्म के लिए एक मिनट, ये स्पेस मैं खाली कर देता हूँ, कार्टिशियन फॉर्म। तो देखो कार्टिशियन फॉर्म जो है आप यहीं से डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैसे, देखो कार्टेशियन फॉर्म, जब यूनिट वेक्टर दिया रहता है तो यूनिट वेक्टर जब दिया रहता है उस केस में जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, Lx +my +nz इज इक्वल टू d। तो L क्या होता है, आपका डायरेक्शनल कोसाइन होता है, और डायरेक्शनल कोसाइन कैसे पता चलेगा, जो अभी अभी हमने यूनिट वेक्टर निकाला था ना उस यूनिट वेक्टर में i, j और k के जो जो कोएफिशिएंट है, तो l के जगह कितना आएगा देखो 2/√29x, ठीक है। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, -3/√29y, ठीक है। और फिर n, n की वैल्यू कितनी आएगी, 4/√29z, और d की वैल्यू कितनी थी, 6/√29। ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका कार्टेशियन फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों जो है हमने निकाल लिया।
अब उसके बाद अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर का डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है, ठीक है, और वो कैसा वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और देखो एक मैं आपको समझा रहा हूं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक कोई प्लेन है, ये मान लेते हैं ये वो प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, आर इंटू 6 - 3 - 2, आर इंटू 6i - 3j - 2k - 3j - 2k + 1 = 0। ये वो प्लेन है जिसका इक्वेशन ये है, ठीक है। बोल रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर। देखो इसी प्लेन पर एक कोई वेक्टर है जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस पर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है एक प्लेन का इक्वेशन जिसमें हमारे पास था r डॉट n इज इक्वल n कैप इज इक्वल टू d, ठीक है। ये कब यूज करते थे, जब हमको ओरिजिन से डिस्टेंस पता होता था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्टेंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि वो जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस ओरिजिन से। अच्छा बाय द वे ये बोल दिया है कि वो जो वेक्टर है ना वो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये वेक्टर को ऐसा दूर नहीं बनाएंगे हम लोग, इस वेक्टर को हम लोग ओरिजिन से पास करवाएंगे। लेकिन सिंस यहां पर हमको इस वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, r डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू d। तो ये जो वेक्टर जो आपको दिया हुआ है ना, इस वेक्टर को आप क्या मानोगे, नॉर्मल वेक्टर मानोगे। कैसे नॉर्मल वेक्टर मानोगे, मैं बता रहा हूं। देखो वी हैव, हमारे पास जो वेक्टर है वो है r वेक्टर, और यहाँ है हमारे पास 6i - 3j और -3j, -2k + 1 = 0। पहले तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले जो है यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, 6i - 3j - 2k = -1। लेकिन d देखो माइनस में है क्या, नहीं, d तो प्लस में है। तो एक काम करते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6i, ये हो जाएगा +3j, ये हो जाएगा +2k = 1, ठीक है। अब ये 1 जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना। तो अब आप यहां पर लिखोगे ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन वी गेट, तो r के साथ जो वेक्टर है ना वो आपका है एक नॉर्मल वेक्टर, दैट इज -6i + 3j + 2k। लेकिन आपको तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप इसका निकाल लो यूनिट वेक्टर, -6i + 3j + 2k, और 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 7। तो 6 अपॉन में 7i, 3 अपॉन में 7j + 2 अपॉन में 7k। तो आपको डायरेक्शनल कोसाइन चाहिए था, तो l की वैल्यू ये होगी, n की वैल्यू ये होगी, और n की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्शनल यहां पर कोसाइन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। यहां पर भी एक और आपको दिया हुआ है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। अभी देखो आपको ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दिया है, इसका आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, LxMyNz = d था। तो पहले तो आप उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखोगे, तो ये जो आपको दिया हुआ है ना 2x - 3y + 4z, पहले तो 6 को इधर राइट हैंड साइड में भेजोगे। एग्जांपल नंबर 15 देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 = 0 फ्रॉम द ओरिजिन। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सबके माइंड में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा
ये जो इक्वेशन दिया है 2x-3y, 2x-3y प्लस 4z-6 को मैं भेज देता हूँ, इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है ये कौन से टाइप से कंपैरिजन करके दिया हुआ है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी है कि ये एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू डी है, दोनों में से ये कौन से फॉर्म को ये बता रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो 6 जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता तो ये आपको फाइंड करने ही नहीं बोलता। और इन दोनों केसेस में से जो कौन सा डी होता है जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है, आंसर है ये वो डिस्टेंस होता है जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। दैट मीन्स अभी का जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वाले जैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ गए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब ये आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी करके। तो आप यहां पर सॉल्यूशन इसको लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आप लिख लेना विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, आपको क्या मिलेगा a, a मतलब क्या है डायरेक्शनल रेशियोज हैं, b is equal to क्या मिलेगा -3, c is equal to आपको क्या मिलेगा 4, d is equal to आपको क्या मिलेगा 6। लेकिन आपको क्या चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए मतलब आपको कौन सा इक्वेशन निकालना पड़ेगा lx plus my plus nz is equal to d, ये आपको निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो आपको मिलेगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा L। अब L और A क्या है, डायरेक्शनल कोसाइन और डायरेक्शनल रेशियोज, दोनों में रिलेशन हम लोग पढ़े थे। L इज अगर A B और C अगर डायरेक्शनल रेशियोज हैं, L M और N अगर डायरेक्शनल कोसाइन है, तो L इज इक्वल टू क्या होता है A अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। तो अभी देखो L कैसे निकलेगा, 2 अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा। फिर m इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, -3 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर में 4 प्लस 9 प्लस 16 आएगा, और उसके बाद n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 4 प्लस 9 प्लस 16 होगा, ठीक है। तो यहां से l की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, 2 अपॉन में 6 प्लस 4 20, ये हो जाएगा रूट ओवर 29। m की वैल्यू कितनी आएगी, -3 अपॉन में रूट ओवर 29, और n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अपॉन में रूट 29। ये आएगी हमारे पास l, m और n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसकी किसकी वैल्यू मिलेगी, l, m और n की। तो अब यहां पर इसको रख देते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अब ये l है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 29x माइनस 3 अपॉन में रूट 29y प्लस 4 अपॉन द रूट 29z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस ही तो निकालनी है ना, क्या करना है हमको, हाँ डिस्टेंस निकालनी है हमको। तो ये हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है, इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। अब देखो इज इक्वल टू 6 दिया हुआ था, तो इधर सबके साइड में हमने तो ये निकाला 2, 3, -4 निकाल लिया ना, उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअल में ए बी और सी था, इसी को एल एम एन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़, दोनों साइड हमको रूट 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने निकाला हुआ है एल की वैल्यू ये है, एम की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, तो इस पूरे इक्वेशन को रूट 29 से डिवाइड कर दो, जिससे 2 अपॉन में रूट 29 एल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमको पता है एल कितना है और एल इसको बनाना है, तो रूट 29 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी 6, अगर ये जो राइट हैंड साइड में जो 6 है इधर भी हमको रूट 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ही रूट 29 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपको दे देगा, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जिसमें है हमको क्या करना है, हाँ ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अभी हमको क्या करना है, अभी हमारे पास अगेन एक प्लेन रहेगा और उस प्लेन पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है।
और उसमें हमको एक पॉइंट भी पता रहेगा। अगर आपको एक प्लेन दिया है, उस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, एक गिवन पॉइंट दिया हुआ है, देन उस सिचुएशन में आपका वेक्टर फॉर्म और आपका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड सिचुएशन है या सेकेंड प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो एक प्लेन हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेट से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। इस पे एक प्लेन में ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा प्लेन है। अब देखो इस प्लेन पर ना एक परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दिया है। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर पहले सिचुएशन जैसा नहीं है कि ओरिजिन से जा रहा है, ये हमारे पास एक इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। लेट से इस वेक्टर का नाम है एन वेक्टर, ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और इसी प्लेन पर हमको एक पॉइंट पता है। मान लो उस पॉइंट का नाम है ए और उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ये तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लेट से इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए। इसी में हम लोग एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं आर, और आर का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ये ठीक है। इसको यहां से कर देते हैं ज्वाइन। तो अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में देखो ये जो ओ ए वेक्टर है ट्राइंगल लॉस है ना, और ये जो ए पी वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां से ओपी वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स ओए, ओए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। एपी, एपी तो उस प्लेन पर एक वेक्टर है, ओपी, ओपी मतलब आर वेक्टर। तो यहां से देखो आप एपी वेक्टर आपको क्या मिलेगा, आर माइनस वेक्टर ए मिलेगा, बिल्कुल ठीक। अब अगेन सेम सिचुएशन कि एपी जो है उस एक टेबल में पड़ा हुआ एक पेन है और एन जो है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है टेबल पर। मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको, एक टेबल है, टेबल के ऊपर में पेन परपेंडिकुलर है, उसी टेबल पर एक दूसरा कोई पेन है जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो वो ये मतलब इस केस में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर एन, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा, जीरो। मतलब फॉर्मूला निकल कर क्या आया, आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू शून्य। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म। इसी को अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो आर के जगह आप क्या रख दो, यहां पर रख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस ए, ए का पोजीशन वेक्टर क्या था, x1i y1j z1k और n। एन क्या है, देखो एन जो है ये हमारा कोई भी एक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। सो लेट से एन वेक्टर को यहाँ पर भी प्रेजेंट किया है इसने ए बी और सी से, तो हम लोग भी उसी से कर देते हैं। जो एन वेक्टर है वो है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन, देख लेना थोड़ा सा, जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, ये आएगा। और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू जीरो के साथ। तो जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर देखो आई और आई का आई के साथ ही करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए। अच्छा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस नॉर्मल वेक्टर के क्या है स्केलर कंपोनेंट, और किसी भी नॉर्मल वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शनल रेशियोस। वाई माइनस वाई वन इंटू बी, जेड माइनस जेड वन इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये है इसका कार्टेशियन फॉर्म, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड सिचुएशन जो हमने पढ़ा इसी के बेसिस पर जो है हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 17। फिर इसके बाद इक्वेशन अगर तीन कोलिनियर पॉइंट से पास हुआ है तो उस समय प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ये चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एंगल बिटवीन, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमको पढ़ना है इस साल। इसमें से कुछ सिचुएशन ऐसे है जैसे प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, ये भी हमको पढ़ना है। इसमें एंगल वाला जो सिचुएशन है ना, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, वो नहीं है,
तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।